नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस गेज R&R। हमारे किसी एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर, पार्ट वेरिएशन और इक्विपमेंट वेरिएशन की एक्सेप्टेबल लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक हम इसको ओके कर सकते हैं और कहाँ हम इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई भी हमारा इक्विपमेंट नेम है, कोई भी गेज हो सकता है हमारा XYZ, और जिसका लिस्ट काउंट है 0.001, यानी कि 1 माइक्रोन का लिस्ट काउंट है। और जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं उसका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 178.639 और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 178.560। ठीक है, कोई भी डायमीटर हो सकता है, आप डायमीटर मान लीजिए। तो हम इस गेज का हम MSA कर रहे हैं, वेरिएबल MSA, जिसको हम बोलते हैं गेज R&R, यानी कि गेज रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने 3 एप्रेजर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, Appraiser 1, Appraiser 2, Appraiser 3, ये हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स कर लिया, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल। Appraiser फर्स्ट का 3 ट्रायल, इसी तरह Appraiser सेकंड की 3 ट्रायल और Appraiser थर्ड की 3 ट्रायल। ठीक है, ये हमने 10 पार्ट सेलेक्ट कर लिए, 1, 2, 3 और अप टू 10 तक। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। Appraiser फर्स्ट की कैलकुलेशन मैं बता दूंगा, Appraiser सेकंड की और Appraiser थर्ड की सेम है। ठीक है, ये क्या है देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट की एवरेज को कैलकुलेट किया। जब हम ऑपरेटर से नंबर ऑफ ट्रायल कंप्लीट करवा लेंगे सबका, तो जब हम डाटा फिलअप करेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एवरेज कैलकुलेट किया फर्स्ट पार्ट की। जब फर्स्ट पार्ट को 3 बार मेजरमेंट किया तो उन 3 पार्ट की एवरेज और 3 पार्ट मेजरमेंट की रेंज। इसी तरह सेकेंड पार्ट को जब 3 बार मेजरमेंट किया तो इन 3 पार्ट मेजरमेंट की एवरेज और रेंज। इसी तरह हमने 10 के 10 पार्टों की एवरेज कैलकुलेट कर ली और रेंज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसी तरह हमने Appraiser सेकंड की कैलकुलेशन करी और सेम हमने Appraiser थर्ड की कैलकुलेशन करी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करी। ठीक है, ये जो 10 पार्ट है हमने लिए थे तो इनकी फर्स्ट ट्रायल में क्या एवरेज आई और सेकेंड ट्रायल में इन 10 पार्टों की क्या एवरेज आई और थर्ड ट्रायल में इन पार्टों की क्या एवरेज निकल के आई। ठीक, और जो हमने ये एवरेज कैलकुलेट करी थी, इन एवरेज की भी एवरेज क्या एवरेज निकल के आई, जिसको बोलते हैं X++। ठीक है, उसके बाद जो हमने रेंज कैलकुलेट करी थी, इन रेंज की एवरेज क्या निकल के आई, वो हो गई। ठीक है, इसी तरह हमने Appraiser सेकंड की कैलकुलेशन करी और इसी तरह हमने Appraiser थर्ड की कैलकुलेशन करी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने R++ को कैलकुलेट किया, यानी कि Range++, रेंज का भी एवरेज। रेंज कौन सी ली हमने, Appraiser फर्स्ट की प्लस Appraiser थर्ड और सेकंड की, तीनों Appraiser की जो रेंज आई है उनको ऐड करके 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया R++। तीनों Appraiser की रेंज कौन सी, ये जो तीनों Appraiser की जो हमने रेंज कैलकुलेट किया था, इन रेंज का जो एवरेज आया है ये, इन तीनों, ये प्लस ये और प्लस ये, इन तीनों रेंज को हमने ऐड किया और रेंज को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया R++। ये हो गया X डिफरेंस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया था, जिसको हम बोलते हैं X++, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इन एवरेज का भी मैक्सिमम और मिनिमम हमने मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमने क्या कर लिया, एक्स डिफरेंस, कि इन रेंज का डिफरेंस कितना आया। ठीक है, वो हो गया 0.0005। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, रेंज की अपर कंट्रोल लिमिट UCLR, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, UCLR और LCR। ठीक है, LCLR यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट रेंज की, लोअर कंट्रोल लिमिट रेंज की। फॉर्मूला क्या है, R++ मल्टीप्लाई D4, और लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या है, R++ मल्टीप्लाई बाई D3। ये है रेंज की लोअर और अपर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये D3 D4 क्या है, जैसे SPC में स्टैंडर्ड होता है ना A2 D3 D4, उसी तरह ये MSA का भी स्टैंडर्ड है, A2 D3 D4 K1 K2 K3। ठीक है, हर जगह ये स्टैंडर्ड यूज होता है। उसके बाद हमने एवरेज चार्ट हमने कैलकुलेट किया, अपर कंट्रोल लिमिट एवरेज की, लोअर कंट्रोल लिमिट एवरेज की। फॉर्मूला क्या है, X++ प्लस A2 मल्टीप्लाई R⁻, X++ मल्टीप्लाई A2 R⁻। ठीक है, ये है रेंज। इसके फॉर्मूला पुट कर, जब हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया तो कितना आएगा, अपर कंट्रोल लिमिट 178.603, लोअर कंट्रोल लिमिट कितना है 178.600। ठीक है, ये N = 10, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स, और R क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स।
उसके बाद ये जो है हमने क्या किया, पार्ट का एवरेज कैलकुलेट किया। जो ये पार्ट का जो हमने तीनों एपेजर की जो एवरेज आई थी, फर्स्ट पार्ट की ये एवरेज, सेकंड पार्ट की फर्स्ट एपेजर की फर्स्ट पार्ट की एवरेज, सेकंड एपेजर की फर्स्ट पार्ट की एवरेज और थर्ड एपेजर की फर्स्ट पार्ट की एवरेज, ये जो हमारी तीन एवरेज निकल के आ गया है ये, ठीक है, इन तीनों का एवरेज निकाला है यहाँ पे, ठीक है, 178.636, 178.635 और 178.636, इन तीनों को ऐड करके जब तीन से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 178.636, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट की एवरेज, इसी तरह थर्ड पार्ट की, और इसी तरह 10 पार्ट की एवरेज हो गई, ठीक है। अब क्या कह दिया, ये जो हमारे 10 पार्ट की एवरेज कितनी आ गई, इनकी एवरेज एक्स डबल बार जिसको हम बोलते हैं 178.602, और आरपी यानी कि रेंज ऑफ पार्ट, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0.0628, ठीक है। ये जो हमने पार्ट की एवरेज कैलकुलेट करी है, इनकी रेंज, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इनमें से 636, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है इनमें से 576। जब इनको आप मैक्सिमम माइनस करोगे, मिनिमम माइनस करोगे, तो कितना आएगा, 0.0628, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इतना करने के बाद अब हम चलते हैं रिजल्ट पे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया है, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी यानी कि इक्विपमेंट वेरिएशन। फॉर्मूला क्या होता है, इक्विपमेंट वेरिएशन इज इक्वल टू आर डबल बार मल्टीप्लाई बाई के वन, ठीक है। आर डबल बार हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 0.0017, ठीक है। ये देखो, ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है आर डबल बार मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी, आर डबल बार कितना आया था, 0.0017, ठीक है। तो हमने इसको हम फॉर्मूला में पुट किया तो कितना आएगा, 0.00102, ऑलमोस्ट 1 माइक्रोन, ठीक है। उस तरह हमने रिपीटेबिलिटी कैलकुलेट किया। अब हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एपरेजर वेरिएशन। फॉर्मूला क्या है एपरेजर वेरिएशन का, एपरेजर वेरिएशन को हम ए वी सी डी नोट करते हैं, इक्विपमेंट वेरिएशन को हम ई वी सी डी नोट करते हैं, ठीक है। तो एपरेजर वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट इनटू ब्रैकेट में एक्स डिफरेंस मल्टीप्लाई के टू का स्क्वायर, उसके बाद ये क्या निशान है, माइनस इक्विपमेंट वेरिएशन का स्क्वायर डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई आर। फॉर्मूला ध्यान से समझ लेना, एन क्या है नंबर ऑफ पार्ट्स और आर क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हमने तीन ट्रायल करे हैं और आर नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है, कितने हैं, 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए, 30, ठीक है। उसके बाद एपरेचर वेरिएशन कितना आ गया, 0.0002, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिपीटेबल एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जिसको बोलते हैं आर एंड आर। कैसे कैलकुलेट किया आर एंड आर, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट इक्विपमेंट वेरिएशन का स्क्वायर प्लस एपरेजर वेरिएशन का स्क्वायर, कितना आया, 0.0010 यानी कि और 1 माइक्रोन, ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट वेरिएशन कैलकुलेट किया। पार्ट वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर पी जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ पार्ट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के थ्री, ठीक है, कितना आया, 0.01975, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर एंड आर का स्क्वायर यानी कि 1 माइक्रोन का स्क्वायर प्लस पार्ट वेरिएशन का स्क्वायर, ठीक है, और इनका ऐड करने के बाद उसका अंडर रूट, ये अंडर रूट का निशान लगा हुआ है, कितना आया हमारा, 0.0198। इतना कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे इनका, क्योंकि हम जब भी गेज का, कोई भी गेज का हम डिसीजन देते हैं तो हम परसेंटेज के आधार पर देते हैं। हमने क्या निकाला, इक्विपमेंट वेरिएशन कैलकुलेट किया स्टार्टिंग में, अब हम उसका इक्विपमेंट वेरिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला है इक्विपमेंट परसेंटेज कैलकुलेट करने का, इक्विपमेंट वेरिएशन डिवाइड बाई टोटल वेरिएशन मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया, 5.18। उसके बाद हमने एपरेजर वेरिएशन कैलकुलेट किया था यहाँ पे, अब हम इस एपरेजर वेरिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एपरेजर वेरिएशन डिवाइड बाई टोटल वेरिएशन मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया, 0.79%, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हम गेज का डिसीजन देते हैं, वो है परसेंटेज आर एंड आर, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज गेज आर एंड आर। इसके बेस पे हम गेज का डिसीजन देते हैं, ठीक है। परसेंटेज गेज आर एंड आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, आर एंड आर डिवाइड बाई टोटल वेरिएशन मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया, 5.24, ठीक है। ये हमारा होना चाहिए परसेंटेज गेज आर एंड आर लेस देन 10%, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, पार्ट वेरिएशन। जब पार्ट वेरिएशन हम परसेंटेज में ही डिसीजन देते हैं,
हम यहाँ से हम पार्ट वेरिएशन का डिसीजन नहीं देते हैं कि कितना आया, ठीक है। पार्ट वेरिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पार्ट वेरिएशन डिवाइड बाई टोटल वेरिएशन मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया 99.86%। ये हमारा शुड बी मोर देन 50% होना चाहिए पार्ट वेरिएशन, ठीक है। अगला है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है डिस्टिंक्ट कैटेगरी के लिए, काफ़ी डिटेल में आप जाके चेक कर सकते हो। एनडीसी क्या होती है, कैसे हम एनडीसी में इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन करने का थंब रूल क्या है, ये सब एनडीसी में मैंने बताया हुआ है। ये हमारा होना चाहिए एनडीसी मोर देन 5, ठीक है, एनडीसी मोर देन 5 होना चाहिए। आ कितना रहा है 26.88, ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, गेज आर एंड आर, हमारा कोई गेज ओके है या रिजेक्ट है। देखिए यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं, सबसे पहला कंडीशन है कि परसेंटेज गेज आर एंड आर हमारा 10% से कम है तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर 10% से 30% के अंडर में है तो कंडीशनली एक्सेप्ट है। इफ़ परसेंटेज गेज आर एंड आर विद रिस्पेक्ट टू टॉलरेंस इज लेस, ये जो हमने लास्ट में कैलकुलेट किया हुआ है आर एंड आर विद रिस्पेक्ट टू टॉलरेंस कितना है 1.31, ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टॉलरेंस हमारा कम है, ठीक है। लेकिन ये हम उस केस में करते हैं चेक जब हमारा गेज आर एंड आर 10% से ज़्यादा आ रहा हो और 30% से कम हो, ठीक है। उसके लिए जब हम कंडीशनली एक्सेप्ट होती है उसमें हम गेज की रिपेयरिंग कॉस्ट भी चेक करते हैं, गेज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी चेक करते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन है अगर हमारा परसेंटेज गेज आर एंड आर 30% से ज़्यादा है तो हमारा गेज रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन हमारा परसेंटेज गेज आर एंड आर हम कितना आ रहा है, परसेंटेज गेज आर एंड आर हमारा कितना है यहाँ पे, ये जो मैंने आप दिखाई दे रहे होगे परसेंटेज गेज आर एंड आर कितना है 5.24, ठीक है, जो कि कंडीशन कहता है कि लेस देन 10% है, ओके है। अगली कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट इन एवरेज चार्ट शुड बी मोर देन 50% टू इंश्योर पार्ट टू पार्ट वेरिएशन, ये वही बात आ गई जो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे पार्ट वेरिएशन शुड बी मोर देन 50%, लेकिन यहाँ कितना है 99.86, ठीक है। ये इसलिए होता है 50% क्योंकि जब हम 10 पार्ट का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो इसमें से 50% पार्ट तो हम रिजेक्ट सिलेक्शन करते हैं, है ना, इसमें से हम 3 पार्ट हम ओके सिलेक्ट करेंगे, 3 पार्ट हम रिजेक्ट सिलेक्ट करेंगे और 4 पार्ट हम बॉर्डर लाइन का सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ही करते हैं ना, क्योंकि हम इसमें ओके पार्ट भी लेते हैं और रिजेक्शन वाले पार्ट भी लेते हैं, इसलिए ये हमें जो है पार्ट टू पार्ट वेरिएशन हमें मोर देन शुड बी 50% होना चाहिए, ठीक है। पार्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम, पार्ट वेरिएशन शुड बी मोर देन 50%। उसके बाद नो आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स इन द रेंज चार्ट, जब हम रेंज चार्ट प्लॉट करते हैं तो उसमें से कंट्रोल पॉइंट से बाहर कोई भी पॉइंट नहीं जाना चाहिए, कंट्रोल लिमिट से बाहर, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डाटा कैटेगरीज एनडीसी, जो मैं पहले बता रहा था यहाँ पे एनडीसी जो है शुड बी मोर देन 5% होनी चाहिए, ठीक है, तो वही बात कर रहा है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है कि कोई भी गेज हमारा ओके या रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल है तो हमारा गेज ओके है, अदरवाइज गेज हमारा रिजेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले।